हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक अवयव यानी मैट्रिक्स। हम स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि यदि सीधे एक्सरसाइज में जाएंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अवयव। अवयव किसे कहते हैं? तो अवयव क्या होता है? एम एन राशियों का वह समूह जिसमें एम पंक्तियां और एन स्तंभ होते हैं। ये आयताकार के रूप में होता है ना। एम पंक्तियां या पंक्तियों को क्या कहते हैं? रो। ये हो गई एम पंक्तियां और ये हो गए एन कॉलम। ये जो ऊर्ध्वाधर है इनको कॉलम कहते हैं और ये जो क्षैतिज है इनको अपन रो कहते हैं। इसमें A11, A12, A13 ये सब क्या हो जाएंगे? एलिमेंट्स हो जाएंगे अवयव के। AIJ अवयव आईवे पंक्ति और जेवे स्तंभ की संधि पर स्थित होता है। जहां पर भी आई और जे पंक्ति और स्तंभ की संधि होती है वहां पे एक अवयव स्थित होता है। अवयव मैट्रिक्स अपन किसे कह सकते हैं? अवयव को अपन किससे डिनोट करते हैं? ये बड़े कोष्टक से या ऐसे दोहरे कोष्टक से अपन इसको डिनोट करते हैं। और इसको अपन कैसे संकेत करते हैं? तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C या किसी भी कैपिटल लेटर से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। अवयव की विशेषताएं। अवयव की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसमें एम रोज होते हैं, एन कॉलम होते हैं, मतलब एम पंक्तियां, एन स्तंभ, और हर एक कॉलम में एन क्रमबद्ध राशि, और हर एक पंक्ति में एन क्रमबद्ध राशियां, और हर एक कॉलम में एम क्रमबद्ध राशियां होती हैं, और टोटल इनका क्रम क्या हो जाता है? एम एन हो जाता है। A11, A12, AIJ अवयव के अवयव क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। A बराबर AIJ M क्रॉस N, इसमें I 1 2 3 4 M तक कुछ भी हो सकता है, और J भी 1 2 3 4 N तक कुछ भी हो सकता है। M क्रॉस N क्रम के मैट्रिक्स को कभी कभी AM क्रॉस N के रूप में भी अपन लिख सकते हैं। तो ये हो गया अवयव क्या हुए, अवयव में एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना। ये हो गया। अब अपन पढ़ेंगे अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला प्रकार है रो मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव। तो वह अवयव जिसमें केवल रो होगी, जैसे कि ये वाले, इसमें केवल रो दिख रही है, अपन को कोई भी कॉलम नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रो मैट्रिक्स। अब आया कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि स्तंभ अवयव जिसमें केवल स्तंभ होंगे, कॉलम होगा, है ना, इसको अपन क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव। अब जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो। तो ये क्या कहला जाएगा? जीरो मैट्रिक्स या शून्य अवयव। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। जैसे ये कैसा अवयव है? 3x3 क्रम का है, मतलब इसमें तीन पंक्तियां और तीन स्तंभ हो जाएंगे। तो ये क्या कहला जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण क्या होता है? तो प्रत्येक वर्ग अवयव में दो विकर्ण होते हैं, एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। लेकिन मुख्य विकर्ण किसे कहेंगे? मुख्य विकर्ण होगा लेफ्ट हैंड के ऊपरी सिरे से राइट हैंड के निचले सिरे को क्या कहेंगे? मुख्य विकर्ण कहेंगे। ठीक है। अब आ गए अपन 6 नंबर डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव। तो जिसमें मुख्य विकर्ण अवयव को छोड़ के सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। जैसे ये वाला हो गया, इसमें मुख्य विकर्ण क्या हो गया? ये 3 5, इसको छोड़ के बाकी सारे अवयव, जैसे ये वाला, ये इसको छोड़ के बाकी सारे अवयव क्या है? शून्य है। तो ये क्या कहला जाएगा? विकर्ण अवयव। अब स्केलर मैट्रिक्स या अदिश अवयव किसे कहेंगे अपन? ऐसा अवयव जिसके सभी मुख्य विकर्ण अवयव समान हो। जैसे जो मुख्य विकर्ण है इसके अवयव सभी समान हो। जैसे ये, जैसे एक और एग्जांपल हो जाएगा, जैसे A00 0A00 0A, इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होगा? एक जैसे हैं। तो ये क्या कहला जाएगा? अदिश अवयव। अब आते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई या तत्समक अवयव, जिसका प्रत्येक मुख्य विकर्ण अवयव एक हो। तो इसको क्या कहेंगे अपन? इकाई अवयव। एन क्रॉस एन क्रम के इकाई अवयव को IN से निरूपित करते हैं अपन। जैसे ये I1 हो गया, ये एक है, ये इसमें सारे मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है? एक है।
इसलिए ये क्या कहला जाएगा, इकाई आव्यूह। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। ये क्या दिख रहे हैं अपन को, स्तंभ, तो इनकी संख्या क्या है, ये पंक्तियों की संख्या से अधिक है। इसमें कितने कॉलम या स्तंभ है, चार, और पंक्तियां कितनी है, दो, तो ये क्या कहला जाएगा, क्षैतिज आव्यूह। अब वर्टिकल आव्यूह क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। ये पंक्तियां इसमें ज्यादा है, इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है, चार, और कॉलम की संख्या क्या है, दो, तो ये क्या कहला जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स या ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या त्रिभुजीय आव्यूह, तो किसी आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे अथवा ऊपर के जब सभी आव्यूह शून्य हो तो उस आव्यूह को त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। जैसे ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और निचला त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और दूसरा निचला त्रिभुजीय आव्यूह। तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह क्या हो जाएगा, जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो वो क्या कहला जाएगा, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। और निचला त्रिभुजीय आव्यूह क्या हो जाएगा, जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के ये सारे अवयव शून्य हो, तो ये क्या कहला जाएगा, निचला त्रिभुजीय आव्यूह। अब सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स एकल अवयव आव्यूह क्या होता है, जिसमें केवल एक अवयव हो, जैसे ये बी या ये आव्यूह हो गया, ये सी या हो गया ये सिक्स, तो ये क्या कहला जाएगा, एकल अवयव आव्यूह। अब अपन देखेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, मतलब दो आव्यूह कैसे बराबर हो सकते हैं। तो दोनों का अपन बराबर कब कहेंगे, यदि उनके क्रम समान हो, क्रम यानी ये हो गया ये टू क्रॉस टू का है, ये भी टू क्रॉस टू का है, जैसे यदि ये अपन लिए ये, ये हो गया थ्री क्रॉस थ्री का, और ये हो गया जैसे कि ये भी थ्री क्रॉस थ्री का हो गया, है ना। तो अपन इसको लिख सकते हैं C बराबर D, अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये हो गया क्रम, इनके क्रम क्या है, समान, जैसे ये टू क्रॉस टू का है, ये टू क्रॉस टू का है, और इसमें वन बराबर, इसमें भी वन, इसमें फोर बराबर फोर, तो ये सब क्या कहला जाएंगे, इनके संगत अवयव भी क्या है, समान है इन दोनों के। तो ए बराबर अपन बी लिख सकते हैं, क्यों ए बराबर बी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका क्रम भी समान है और अवयव भी समान है। लेकिन सी बराबर अपन डी नहीं लिख सकते, क्योंकि केवल इनका क्रम समान है, इनके अवयव समान नहीं है। अब अपन आ जाएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूहों का योग। माना कि ए एक आव्यूह है जो m क्रॉस n क्रम का है ना, और b एक आव्यूह है जो भी m क्रॉस n क्रम का है, तो c बराबर अपन को क्या करना है, a प्लस b, तो ये एज ए योग हो जाएगा, इनका नॉर्मल करना है ना। आव्यूह के गुणधर्म या विशेषता है, तो आव्यूह कौन कौन से नियमों का पालन करता है, तो आव्यूह क्या क्रमविनिमय नियम का पालन करता है। यदि a और b दो m क्रॉस n क्रम के आव्यूह हो जाएंगे, तो a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे, कि माना a बराबर क्या है, ए आई जे एम क्रॉस n, और b बराबर क्या है, b आई जे एम क्रॉस n, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए आई जे एम क्रॉस n, b आई जे एम क्रॉस n, तो m क्रॉस n जैसे अपन कॉमन लिए वैसे करके इसको बाहर कर दिए, और ये इसको अपन लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे एम क्रॉस n को, ये ऐसे अलग कर करके अपन किए, ये क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, तो ये क्रमविनिमय नियम होता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये इसको देखा। अब जो आव्यूह होता है वो साहचर्य नियम का भी पालन करता है, मतलब कि यदि ए बी तथा सी तीन एम क्रॉस एन क्रम के आव्यूह हो, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी,
जैसे कि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन, सी बराबर सी आई जे एम क्रॉस एन, तो ए प्लस बी प्लस सी को अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसमें से एम क्रॉस एन को अपन बाहर कर लिए, फिर क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन जब बाहर हो गया तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, इसमें अपन एम क्रॉस एन ये था इसके पहले वाला, तो इसको अपन इनको ऐसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे, तो वही हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या कहला जाता है अपना, क्या कहला जाता है, ये सहचर्य नियम कहलाता है ना। तो योज्य तत्समक क्या होते हैं, ए प्लस जीरो प्लस बराबर ए या जीरो प्लस ए बराबर ए, मतलब ए में जीरो जोड़े या जीरो में ए जोड़े बराबर क्या होना चाहिए, ए ही होगा। माना ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन और जीरो बराबर जीरो एम क्रॉस एन, तो ए बराबर ये हो गया, इसको आप ए प्लस ओ को क्या लिख सकते हैं अपन, ए आई जे एम क्रॉस एन और ओ एम क्रॉस एन, तो ये हो जाएगा ए आई जे ओ एम क्रॉस एन और ये हो गया ए के बराबर। ऐसे ये क्या होगा, ये भी ए के बराबर हो जाएगा और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये प्रूव हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, योज्य तत्समक। योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि प्रत्येक आव्यूह ए के लिए माइनस ए इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो और माइनस ए प्लस ए इक्वल टू भी जीरो होता है, तो माइनस ए को अपन ए का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अब आव्यूह क्या है, निरसन नियम का पालन करता है, मतलब कैंसिलेशन लॉ का पालन करता है। यदि ए बी तथा सी तीन एम क्रॉस एन क्रम के आव्यूह इस प्रकार है कि ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, तो बी बराबर क्या होना चाहिए, सी, तो ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी अपन को दिया हुआ है, तो इक्वेशन एक में अपन दोनों साइड क्या करेंगे, माइनस ए को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके प्रूव हो जाएगा बी बराबर सी। अब दो आव्यूह का व्यवकलन क्या होता है, मतलब घटाना, तो जैसे नॉर्मल अपन किसी संख्या को किसी से घटाते हैं वैसे आव्यूहों में भी होता है ना। और आव्यूह का अदिश गुणनफल ये कैसे होता है, जैसे ए ये एक अपने पास, इसमें अपन को लैम्डा का गुणा करना है, तो नॉर्मल जैसे अपने पास जैसे एग्जांपल दिया है ए, ए बराबर क्या दिया है ये, और इसमें अपन को किसका गुणा करना है, इसमें अपन को ज्ञात करना है थ्री ए, तो थ्री ए कैसे करेंगे, थ्री ए बराबर हो जाएगा, ये थ्री हो गया, ये फाइव माइनस थ्री ये हो गया सिक्स, फाइव टू जीरो माइनस थ्री वन सेवन, तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है अपन को।